सो गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका पहला एपिसोड काफ़ी दिनों पहले आया था। उस एपिसोड का आए हुए हफ्ते हो चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। बजो गल मासन में अंतर। अभी लेक्स लूथर को ढूंढते हुए एक डेजर्ट में पहुंच चुके थे और लेक्स लूथर उन्हें गाइड कर रहा था, और तभी मैसन मैन हंटर हॉक गर्ल को किसी तरीके से अनकॉन्शियसनेस कर देता है, और वहां पर लेक्स लूथर का एक सीक्रेट डोर खुलता है जिसमें वो मार्शल मैन हंटर को अपने अंडर आने देता है। उसके बाद वो अपने प्लान के बारे में उसे बता रहा होता है, और फिर देखते हैं जस्टिस लीग को कॉड द एंटीमैटर यूनिवर्स में, जहाँ वो वर्ल्ड फ्रोजर और मॉनिटर के साथ आए हुए होते हैं एंटी मॉनिटर की तलाश में। पर उन्हें पता चल जाता है कि ये एक सिनिस्ट्रो का प्लान है, और इस कारण से वर्ल्ड फ्रोजर वहाँ पर अपने हैमर का वार करते हैं, उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्स लूथर मैसन मैनहंटर को ये बता रहे थे किस तरीके से उसने इस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा तेज दिमाग वाले लोगों को और सबसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को पैसा और पावर दिया, और इससे मास्टर मैनहंटर से पूछता है आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तब लेक्स लूथर कहता है मैं और किसे बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊं मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने तो लगभग अपने इस प्लान को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, तो तुम्हें बताने में क्या जा रहा है, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए तो लाया हूँ। फिर मार्शल मैन हंटर उसे पूछता है बाकी कहाँ है, तुम्हारे लीजेंस ऑफ डूम कहाँ है। तब लेक्स लूथर कहता है पेरपेटुआ को सेफ रख रहे हैं, वो अपनी नेक्स्ट मूव की तैयारी भी कर रहे हैं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। फिर लेक्स लूथर आगे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि इस बॉडी में कुछ ऐसे नेचुरल एनहेंसमेंट किए हैं मैंने जो मैंने खुद ही बनाया है, तो तुम्हें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझसे तो मिलने वाला है नहीं, और हाँ मेरे पास एक स्पेसिफिक होस्ट भी है। और उसके बाद वो एक मशीन को चालू कर देता है जिसके कारण मार्शल मैन हंटर की हालत ख़राब हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और उन वाइब्रेशंस के बाद लेक्स लूथर अपने आप में मार्शल मैन हंटर को किसी तरीके से मर्ज कर रहा होता है। पर तभी दीवार तोड़ करके हॉक गर्ल बाहर आ जाती है, और तब लूथर कहता है तुमने उसे उठा दिया ना जॉन, ये लेकिन कोई काम का नहीं है। और फिर लेक्स लूथर हॉक गर्ल के आसपास एक फोर्स फील्ड तैयार कर देता है, उसे कहता है ये स्पेशली तुम्हारे एंट मेटल के वेपन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए बना हुआ है, तुम्हें जितना मारना है मार लो इस फोर्स फील्ड की वॉल को। और उसके बाद लेक्स लूथर का काफ़ी कम हिस्सा बचा होता है, और वो कह रहा होता है कैंड्रा तुम्हें भागना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंसेन है, इसका वॉर अब इस पूरे यूनिवर्स को तबाह करने वाला है। तब लेक्स लूथर कहते हैं हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है ना। पर तभी भी कैंड्रा उस वॉल को मार रही होती है, और इतने में वो पूरी तरीके से लेक्स लूथर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और हॉक गर्ल अभी भी चिल्ला रही होती है उसे जाने दो लूथर। फिर उसके बाद वो एक और बार कहती है लेक्स मेरी बात सुनो उसे जाने दो, पर लेक्स लूथर कहता है ओ तुम जो सोच रही हो मैं उसे कहीं ज़्यादा हूँ, मैं लेक्स लूथर से भी ज़्यादा डेंजरस हूँ। इन सबसे कुछ समय पहले हॉल ऑफ जस्टिस में स्टारमैन स्टारो और सैन बात कर रहे होते हैं, और सैन कहते हैं ऐसा लगता है कुछ तो गलत है, मैं इसे हवा में फील कर सकता हूँ, कुछ अजीबोगरीब ट्विस्टेड और डार्क। तभी स्टारमैन कहते हैं हाँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। तभी स्टारो कहता है मैं तो सोचता हूँ इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया जाए। तभी स्टारमैन फिर से कहते हैं तुम्हें देख ताक के बात करनी चाहिए जैरो कि तुम यहाँ पर किसी के भी माइंड को कनेक्ट नहीं कर सकते। तभी स्टारमैन सैन से कहते हैं तुम एक प्योर पॉसिबिलिटीज हो, तुम किसी भी चीज़ को देख सकते हो अपने पावर्स का पर फोकस करके, तो क्यों ना तुम उन्हें देखो कि अभी वो क्या कर रहे हैं, जो कि टाइम से भी बाहर लगते हैं मुझे भी। तब सैन कहते हैं मुझे ऐसा लग बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है स्टारमैन कि वो अभी एंटी मैटर यूनिवर्स में है और उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तब स्टारमैन कहते हैं तब तो हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, और उसके बाद सैन स्टारमैन के ऊपर अपने पावर्स यूज़ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्स लूथर हॉक गर्ल से कह रहा होता है जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर तुम हमसे बच सको, अभी क्वार में भी मेरे लीजेंस वहां तुम्हारे दोस्तों को मारने वाले थे पर वो डर करके भाग गए हैं, पर वो ज़्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ स्टारमैन चीख पड़ता है, सैन उससे पूछता है क्या क्या एक काम करा तुमने क्या दिखा की। तब स्टारमैन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो सभी। तभी जैरो कहते हैं तुम्हें ये बात नहीं जाननी चाहिए। तब स्टारमैन कहते हैं मैंने देखा एंड सयान मैंने सब कुछ का एंड देखा।
वहीं दूसरी तरफ हॉक गर्ल लूथर से कह रही होती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब क्या बन चुके हो और तुम क्या करने वाले हो, पर मुझे तुम्हें बस इतना समझाना है कि मैं तुम्हें आज मारने वाली हूँ जो तुमने आज यहाँ किया। मैं तुम पर हेल की आग बरसाने वाली हूँ और हाँ, हम इस मैच को जरूर जीतेंगे। तभी लूथर अपना हुडी हटा करके कहते हैं, नाउ डैश द स्प्रिट, और अगर तुम ये करने वाले तो ऐसे में मुझे पूरे पूरे डिस्ट्रक्शन को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। और इसके बाद लूथर अपने केप को हटा करके अपने नए फॉर्म को दिखाता है उसे और कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। सॉरी पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, इस एपिसोड के लिए बहुत लेट में आया है, पर मैं कुछ बहुत बड़ी कॉमिक्स कवर कर रहा था जैसे कि एम्पायर और इनजस्टिस ईयर जीरो, जिस कारण से मैं इस कॉमिक को बनाना भूल ही गया था एक तरह से। सो अगर आपको उन कॉमिक्स को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसे बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सॉरी सतीश भाई, बहुत ही लेट हो गया मैं, तो आपको जल्द ही मिल जाएगा वो, अपने चैनल पर डाल देना। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फुल थ्री कॉस्मिक नाम है मेरा, आ जाना मेरे चैनल पर। और अगर आपको इस तरह की स्टोरीज चाहिए तो सतीश भाई तो बैठे इच्छा बनाने के लिए, बना देंगे कभी भी नई नई स्टोरीज को। एनीवे, आई एम तुषार साइनिंग आउट।